एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़ से देहरादून की तरफ। एक छोटा सा काम पड़ गया था, वैसे तो काम मेरा सिर्फ 10 मिनट का है, हार्डली 10 से 15 मिनट का, और उसके लिए मुझे काफ़ी दूर ट्रैवल करना पड़ रहा है। मेरे साथ है आदित्य। तो आज मैंने आदित्य को बोला कि मेरे साथ ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि मैं अकेला जा रहा था, अकेले जाने का मन नहीं होता नहीं लॉन्ग ट्रैवल पर। तो अराउंड हमें हो गए निकले हुए अराउंड डेढ़ घंटा हो गया, बट अभी भी थोड़ी सी नींद से आ रही है। थोड़ा जल्दी निकले थे 9:30 बजे के करीब, और धूप काफ़ी तेज़ है अभी भी। गर्मी सितंबर में बहुत ज़्यादा लग रही है, समझ नहीं आ रहा कि कब मौसम चेंज होगा। मतलब मैं सोच रहा हूँ यार एक अच्छी सी कॉफ़ी मिल जाए ताकि थोड़ा सा माइंड एक्टिव हो। और ये जो रोड है, एक्चुअली मैं चंडीगढ़ से देहरादून ट्रैवल काफ़ी करता हूँ। इस रोड पर कोई अच्छा सा कैफ़े या कॉफ़ी कैफे इस तरह से कुछ है नहीं, ढाबे डूबे तो काफ़ी है, तो एक अच्छी कॉफ़ी के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। तो देखते हैं जहाँ पर भी कॉफ़ी मिलती है, हो सकता है शायद ढाबे पर ही रुकें, कॉफ़ी बोलनी पड़े स्पेसिफिक, उसको कुछ कस्टमाइज करके बोलने पड़े भाई हमारे हिसाब से इस तरह कॉफ़ी बना दें। तो लेट्स सी। ये है टेम्परेचर, और टेम्परेचर ऐसे कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि जून या जुलाई का महीना चल रहा है। अराउंड हम आ चुके हैं चंडीगढ़ से 80 to 100 किलोमीटर के करीब, यानी धीरे धीरे जा रहे हैं। 3.5 या 4 घंटे का सफ़र है टोटल, धीरे धीरे जाएंगे, बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, कॉफ़ी तो पियेंगे ही, और फिर काम ख़त्म करके आज ही वापस आना है एक्चुअली। अभी हम पहुंचने वाले हैं यमुना नगर। यहाँ से अभी 32 किलोमीटर शो हो रहा है। तो ये हाईवे तो ये वैसे लास्ट तक बहुत ही परफेक्ट हाईवे बना हुआ है देहरादून तक, ऐसा ही है। छोटा सा अराउंड 20 किलोमीटर का पैच आता है जो हिल स्टेशन का छोटा सा पैच रहता है, उसके बाद पूरा ही हाईवे इसी तरह से। रोड तो काफ़ी अच्छी बनी हुई है, थोड़ा कंफर्टेबल ये सफ़र रहता है बेसिकली। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा अच्छे रेस्टोरेंट्स या कैफेज़ नहीं है, ये प्रॉब्लम होती है वैसे यहाँ ट्रैवल करने में। जा रहे हैं यहाँ पर इस तरह के अपने कॉलेज टाइम के, ये चॉइस वैसे आदित्य की है, जो इसकी चॉइस और मेरी चॉइस है ना गाने सुनने की वो ऑलमोस्ट सेम है। जब भी हम साथ में ट्रेवल करते हैं तो या तो ये मुझे बोलते हैं आप अपने हिसाब से लगा लो, मैं इसको बोलता हूँ, तो गाने ऐसे होते हैं कि मतलब दोनों सुन सकते हैं, दोनों को सॉफ्ट सॉन्ग पसंद है। तो सफ़र काफ़ी अच्छा गुजरेगा वैसे, क्योंकि कुछ ज़्यादा हैसल फ्री है नहीं, और गाने भी अच्छे चलेंगे।